जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। और ये है हमारा बेस्ट फाइव का सेगमेंट। अभी हमने बहुत ज़्यादा खाने पीने पे बात कर ली, रेड मीट पे बात कर ली, तो सोचा कि अब हम आपको किसी सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलाते हैं। लेकिन उनसे भी मिलाने से पहले मैं पोल वापस रिपीट करती चलूँ। हमारे पोल का क्वेश्चन है, एक 26 ईयर ओल्ड खातून है, उनका नाम कवल है, थोड़ी सी बल्की है वेट में, उनकी अभी तक शादी नहीं हो रही है इसी वजह से कि उनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि उनकी फैमिली टेंडेंसी है ज़्यादा वेट की। अब वो थोड़े से परेशान हैं, दो शी इज़ वेरी सैटिस्फाइड हैप्पी विद हरसेल्फ, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये है कि वो कह रही कि सिंस उनकी शादी नहीं हो रही है तो क्या वो शादी के लिए वेट लॉस करें, जो कि आफ्टर अ वाइल उन्होंने वापस गेन कर लेना। शी हैज़ अ फुल क्लू कि उनको आफ्टर अ वाइल उन्होंने गेन कर लेना, और शादी के बाद वैसी खातून थोड़ा सा वेट गेन करती है तो और बल्कि हो जाएंगी, तो फिर तब उनकी लाइफ में और इशूज़ ना आ जाएँ। तो वो कह रही हैं क्या वो वेट लूज करें या ना करें, एंड शी शुड वेट फॉर द राइट पार्टनर। इसका जवाब हमें चाहिए हाँ या ना में। आप लोग बताएं, हाँ वो लग करें लूज या ना वो नहीं करें लूज। हमें आपकी कॉल का और ईमेल्स का इंतजार है, बताते रहिए, उनकी काफ़ी हेल्प हो रही है इस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प हो रही है। इनफैक्ट आप लोग भी हमें बता सकते हैं आपका कोई ऐसा पर्सनल इशू है, नाम अगर आप चाहेंगे तो हम छुपा लेंगे, हम आपका नाम और आइडेंटिटी जो है वो नहीं ऑब्वियस करेंगे, लेकिन आपके जो सवाल हैं वो ज़रूर हम लोग लोगों से शेयर करके उसके बारे में आंसर्स लेंगे। वक्त हुआ है हमारे बेस्ट फाइव का, जो हमारा सेगमेंट है, तो वक्त हुआ है हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने का। और हमारे साथ मौजूद है मदिया इफ्तिखार। मदिया को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? अच्छा व्यूअर्स, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आपको स्क्रीन पे चाहे आपको जैसी भी नजर आती हूँ, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, असली में इतनी सी है, मतलब अगर मैं अपने हाथ का वो करूँ तो वो इतने से में आ रही हैं। तो शी इज एक्चुअली वेरी लीन एंड स्लिम। तो हम इन सबसे पहले तो उनसे इनकी ये जो लीन एंड स्लिमनेस और ये सब जो खवातीन यहाँ पे उनके कान भी खड़े हो गए, उसका राज पूछते हैं। मतलब कोई टेंडेंसी है या कुछ कम खाती हो? टेंडेंसी भी और कम भी खाती हो। कम भी खाती हो, क्या क्या रूटीन क्या है डेली बेसिस पे, क्या रूटीन है? रूटीन कुछ भी नहीं है, जितनी हैक्टिक हमारी रूटीन है सब इसमें आ जाए तो खुद ही ऑटोमेटिकली इस तरह हो जाते हैं। क्या मतलब, when do you get up in the morning? पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। I used to get up in the morning. Usually हमारी शूट्स 10 बजे से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती हैं till 10 at night. तो सुबह 10 से 10 तक, हाँ 10 एंड नाइट होता है, अब होने लगा है, पहले नहीं होता था, पहले तो 2-3 बज जाते थे रात के और वी स्टिल वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग, बट अब जो है काफी चीजें जो है वो उन्होंने स्केड्यूल कर दिए। 12 आवर शिफ्ट, या 10 इन द मॉर्निंग टू 10 एट नाइट। यस, कुछ रेस्ट नहीं है बीच में? बीच में कोई रेस्ट नहीं होता है। लंच ब्रेक, ऑब्वियसली लंच ब्रेक फॉर एन आवर, उसके बाद फिर यू कीप ऑन वर्किंग। सिर्फ वो ब्रेक इस तरह आता है कि अगर कोई और किसी और का सीन है तो आप बैठ जाएं, आपने सोना है फॉर हाफ एन आवर या इस तरह, तो आप वो नैप ले लें। तो अदरवाइज तो बस इट्स लाइक दैट। और क्योंकि अभी ईद की छुट्टियां इतनी, मैं मना कर आ रही हूँ, तो आई वाज लाइक कि बस आज मेरे लिए उठना जरा मुश्किल था। अच्छा, मुझे पता है लंच में क्या मतलब क्या होता है, यूजुअली सेट्स पे होते हैं लंचेस, आप घर से तो खैर नहीं लेके जाते हो, तो क्या आप घर से लेके जाती हैं या फिर सेट पे ही लंच जो होता है? सेट पर ही होता है। पहले तो क्योंकि लंच जो था वो ये लोग बिरयानी तो इधर उधर से कढ़ाई एंड समथिंग इस तरह की चीज़ें आ जाती थी। अब जो है अब होम कुक्ड लंच और डिनर वगैरह जो है ये लोग अब देते हैं। But that depends on the production you're working with, isn't it? Almost all productions. मुझे एक बात बताइए, सुबह ब्रेकफास्ट करती है, when you go for 10 in the morning, तो usually you get up like at 9, huh? I usually get up at 10. ये देखे जरा, 10 को शिफ्ट स्टार्ट हो रही है तो 10 पे उठे। चलो इनके उसमें चलता है, इनकी रूटीन ऐसी है। माय रूटीन ऐसी बिकॉज हम लोगों को ये होता है कि पिकअप का जब टाइम दिया जाता है तो इट वाज लाइक 9 o'clock आपको गाड़ी लेने आएगी, गाड़ी मेरे पास 10:30 तक आती है। अच्छा, गाड़ी लेने आएगी। आई यूजुअली टेक हाफ एन आवर 45 मिनट्स टू गेट रेडी एंड हैव ब्रेकफास्ट एंड देन आई लीव, तो वो सारा उसी में सारा हो जाता है। इनफैक्ट मेरी अम्मी बहुत चीख रही होती है सुबह, क्योंकि मैं कभी कभी उनको बताती भी नहीं हूँ कि मैं उठ गई हूँ, बस सामान उठाती हूँ और निकल जाती हूँ, तो उस पर काफ़ी डांट पड़ जाती है मुझे। ओके, सो ब्रेकफास्ट होता है, चाय का एक कप होता है, चाय तो चाय फैन बाय द वे मुझे पता चल गया था, तो चाय नहीं होती, बट होता क्या है मॉर्निंग फ्रेश होता है दूध के साथ। उसके अंदर आप कुछ भी डाल दें उसका फ्लेवर करके, तो
तो ये तो बचपन से अब तक यही चल रहा है मेरे साथ। बट दैट्स वेरी गुड। अगर इफ शी स्टार्ट्स हर डे, हम लोग की तो आदतें बहुत खराब हो गई हैं, लेकिन इफ शी स्टार्ट्स हर डे विद मिल्क विच इज़ वेरी वेरी नाइस, आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है। कि हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये लोग क्या खाते हैं, नहीं भी खाते, इतने पतले पतले सूखे सूखे रहते हैं तो कुछ नहीं खाते होंगे, लेकिन देखे शी इज़ वरीड अबाउट हर हेल्थ और ये उससे स्टार्ट करती है दूध से। लेकिन अच्छा मुझे बताया कि अपने लिए कुछ बनाने का, कुक करने का फैमिली वालों के लिए कोई टाइम नहीं निकलता कुछ? टाइम तो फिर निकल आता है, मुझे शौक नहीं है। शौक ही नहीं है जी, इन द फर्स्ट प्लेस उन्होंने पंगा ही नहीं पाला। मुझे शौक ही नहीं है। कभी कभी होता है कि अच्छा कुक करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं रहने दो, क्या मैं अब जाके कुक करूँ। अच्छा कुक खाता है फिर बाद में? जब किया है तो तब सबने खाया है, क्योंकि वो वाकई अच्छा कुक कर लेती हूँ मैं। तो जब इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती है तो अंदर से ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आती है मतलब खाना बनाने की। मुझे तब भी मोटिवेशन नहीं आती खाना बनाने की। जब क्या खाने में पसंद क्या है? सब कुछ खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली कि ये चीज़ नहीं, ये नहीं खाना, मुझे मना किया था ये नहीं बनाना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, एक दो चीजें जो मुझे नहीं पसंद वैसे नहीं बनती घर में, अदरवाइज तो हर चीज बस थोड़ी 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 करके खाती रहती हूँ। क्योंकि मैं उस तरह नहीं हूँ कि प्लेट भर के एक ही दफा जो है आप वो मील खा लें, तो इट लाइक के आफ्टर एन आवर थोड़ी सी कोई चीज खा ली, दो घंटे के बाद फिर कुछ खा लिया। अच्छा तो डिनर का क्या होता है? डिनर का यूजली घर पर ही होता है, क्योंकि अच्छा, अम्मी अबू के साथ होती हूँ तो रात को उन्हीं के साथ डिनर। डिनर में कुछ भी सब चलता है। डिनर किस वक्त तक होता है? 10, 10:30, 11:30 That's it. 10:30, 11 हो जाता है। क्योंकि मेरा आना फ्रूट सर्विंग्स का टाइम कहाँ आता है? फ्रूट्स कहाँ खाती हैं? सुबह में खाती हूँ। दूध के साथ? दूध के साथ। दूध के साथ फ्रूट हो जाते हैं जी वो मैं वो, क्योंकि फ्रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रूट तो कोई ऐसी मल्टी विटामिन टाइप चीज़ भी साथ में लेती हैं अपने लिए कि मेंटेन रहे सब कुछ, बिकॉज जब इस तरह की रूटीन होती है तो इंसान ने कभी खाया नहीं खाया और बहुत ही मल्टीविटामिन्स तो बहुत जरूरी भी हैं अब, क्योंकि अब उस तरह कोई अपना हेल्थ कॉन्शियस तो लोग हैं ही नहीं, तो मल्टीविटामिन्स ज़रूरी हैं। अदरवाइज एक ज़माना होता तो उनको पता होता था हमने इस टाइम पे ये लेना है, इस टाइम पे इस तरह खाना है। अब ना फ्रूट्स कोई फ्रूट्स खाता है तो फ्रूट्स खाता ही चला जाता है, कोई अगर मीट लवर है तो वो मीट लवर ही है। तो आई थिंक मल्टीविटामिन्स ज़रूरी होती है, बैलेंस्ड योर। ठीक है अच्छा मदिया, यू वर नॉट लिविंग ओवर हियर इनिशियली, आप इस्लामाबाद में होती थी, तो कराची और इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट में ना आयशा से जमीन आसमान का फर्क है, बहुत लाइफस्टाइल तो छोड़ो, लाइफस्टाइल तो फर्क है ही है, वो जो एनवायरनमेंट है ना वो भी बहुत ज्यादा फर्क है, और वहाँ पे लोग आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कराची के लोग। मदिया से पूछते क्या मदिया, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फील हुआ जब यहाँ आपको शिफ्ट होना पड़ा और कैसा था वो एक्सपीरियंस? जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई इट्स बीन लाइक 6 years नाउ एंड आई वाज 19-20 देन, तो आई डिड माय बैचलर्स और वो कंप्लीट करके आपने पता है मदिया ने क्या क्या इंडिरेक्टली अपनी एज बता दी हमें। ओके तो आई मूव्ड हियर आफ्टर माय बैचलर्स, तो तब क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ थी और इतना नहीं होता था, जब यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हुए तो तब तो बहुत फैसिनेट कर रही थी हर चीज़, यू नो एक्टिंग, देन वर्किंग डे एंड नाइट। इनफैक्ट मैं 24/7 काम किया है इनिशियल पीरियड में, फॉर ए ईयर और टू आई केप्ट ऑन वर्किंग, केप्ट ऑन वर्किंग डे एंड नाइट। आई और इसमें ये होता था कि एक घंटा दो घंटे की मैं नींद लेती थी, अदरवाइज इट्स लाइक के एक दिन में 5 शूट्स हैं, एक सेट से दूसरे सेट, दूसरे सेट से तीसरे सेट, इट्स लाइक दैट। Okay. और उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, लेकिन पैशनेट इतनी थी काम को लेकर। एक दिन में यू डू की ऐसा कर सकते हैं कि आपने 2-3 शूट कर सकते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं, हो जाते हैं। ये जो आपकी 10-10 की शिफ्ट होती है ये अब हुई है आफ्टर लाइक 3 years, ये अब हुई है। तो व्हाट्स बेटर, वो 3-4 शूट्स वर बेटर? ऑब्वियसली दिस वन, हां तो सुकून है ना थोड़ा सा, एक जगह गए तो सुकून, एक जगह। अब क्योंकि मैं भी खुद शूट्स नहीं करती एक दिन में, शुरू में आपको होता है आपको काम करना है जितना करना भी हाँ। कर सकते हैं पीआरशिप के लिए, फॉर कॉन्टैक्ट्स, फॉर एवरीथिंग, तो आप वैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे होते हो तो वैसे ही आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके बाद फिर जब आप रिकग्नाइज हो जाते हैं एक लेवल, एक स्टेज पर आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपके लोग सुनते हैं, तो फिर इट्स लाइक दैट। तो डिफरेंट तो बहुत था, कराची का और इस्लामाबाद का एटमोसफेयर तो बहुत डिफरेंट है। मेरी हेल्थ पर भी असर हुआ, मेरे बाल बिल्कुल हेयर फॉल इतना स्टार्ट हो गया है, और इनफैक्ट अब तक 6 सालों में तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं,
तो इट्स लाइक अभी खत्म हुए हुए ये खत्म हुए हुए इतने बाल हैं, तो इमेजिन खत्म हुए हुए इतने बाल हैं तो जब थे तो क्या थे, बहुत ज्यादा थे। जब फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिशन एक सफर किया था तो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थक जाती थी, उसको स्वेट इतना होता था बिकॉज इट विल टेक लाइक 1.5 hours ओह गॉड टू ब्लो ड्राई माय हेयर, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता था, वो स्वेट कर रही होती थी कि मदिया और कितनी देर है, तो इस तरह था। और अब तो लाइक विद इन 15 मिनट्स दे आर डन विद एवरीथिंग, ओके थैंक गॉड। तो बट एटमॉस्फेयर का वाकई फर्क हुआ है, अब जब भी मैं इस्लामाबाद जाती हूँ तो आई फील फ्रेश, अच्छा मज़ा आता है मुझे बिकॉज वहाँ की फ्रेश एयर है, नो पोल्यूशन, नथिंग लाइक दैट, स्ट्रेस नहीं है कि उफ यहाँ से बाहर निकलना है तो पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, यू कैन फ्रीली मूव अराउंड, यू कैन फ्रीली मूव अराउंड। ओके तो ये फ़र्क तो खैर आई थिंक मैंने सभी से सुना है जो इस्लामाबाद से यहाँ आते हैं, तो एक्चुअली कराची का लाइफ स्टाइल इज काइंड ऑफ वेरी फास्ट, काफ़ी है, यहाँ पे नाइट लाइफ भी है, लोग रात को भी जाग रहे होते हैं, रात को भी फुल फ्लेज अगर कहीं जाएँ और बोट बेसिन मेरे जैसे एरियाज पे जाएं तो लगता ही नहीं कि रात के 2 बज रहे हैं भाई, ऐसा लगता है कोई शाम 7-8 बज रहे हैं, इतने लोग बैठे खा रहे हैं, 7-8 बजे वहाँ पे कोई नहीं होता बाय द वे, 7-8 बजे वहाँ बहुत कम लोग होते हैं, असली लोग जो होते हैं वो 12 बजे के बाद होते हैं। तो हमारी जिंदगी और लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह के है, लेकिन अगर हम इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे 10 बजे के बाद आपको रोड पे 2 गाड़ियाँ जाती नजर आ रही है, नहीं अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा वैसे काफी चेंज हो गया, काफी चेंज हो गया, बट ठीक है अगर वो लुक आफ्टर करते हैं अपनी इन चीज़ों को तो अच्छी बात है। यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना सोना या जागना, बस यहाँ पे सिर्फ है जागना, काम के लिए जागना, या चाहे वो शोबिज हो चाहे वो कोई और फील्ड हो, सब में सब लोग जाग रहे होते हैं। अच्छा नहीं वैसे अच्छा अब हम एक काम करते हैं, हम मदिया बैठी है तो 4-5 क्वेश्चन आंसर रैपिड फायर के कर लेते हैं, कर ले करें। अच्छा एक कॉल है भाई, पहले कॉल अटेंड करते हैं फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? आशिम साहब टीवी सेट का वॉल्यूम तो बंद कीजिए। ओके हाशिम आप फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं? ईद मुबारक आपको भी, ईद मुबारक जी, कैसे हैं? खैर है ठीक है, आपसे पूछना है कि ये ड्रामों में बहुत कम आते क्यों, इसकी वजह आप इनको कह रही ड्रामों में कम आती है, मैं तो जोर चैनल स्विच करती हूँ मदिया बेटी होती है। Are you sure? हाशिम साहब कब से टीवी नहीं देखा आपने? कब से टीवी नहीं देखा आपने? पाकिस्तानी चैनल कब से नहीं देख रहे मुझे बताएं, जहां स्विच करें एक चैनल से दूसरे चैनल, जो ड्रामे का टाइम है मदिया आपको एक महीने तो दूसरे में जरूर नजर आ जाएंगे, आ ही जाती है। यही पूछने की क्यों कम आती है, ये दूसरा ये हर वक्त रोने वाला फोन, हर वक्त रोने वाला, अभी स्टार बन गई ना, स्टार आपको पता है ना जो बड़े वाले स्टार होते हैं वो साल में 2 मूवी करते हैं और जो छोटे छोटे स्टार होते हैं वो साल में बहुत सारी मूवियां करते हैं, तो मदिया जो है ना वो बड़ी वाली स्टार हो गई। अब बाकी अंतर मदिया से पूछते हैं, ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मदिया ये रोने धोने जैसा सीन क्या है? वैसे ये रोने धोने पे तो मुझे बड़ी बातें सुनने को आजकल मिल रही है। ओके एवरीबॉडी इज लाइक क्यों रोने धोने वाले सीन्स कर रही हो, क्या है, क्यों नहीं चेंज? एक्चुअली शायद रोने धोने वाले सीन से ही रिलेट कर पाती है हमारी ये मासेस। सही कह रही है वैसे, क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि कॉमेडी भी मैंने किया, तुझ पे कुर्बान हिट था, दैट वाज अ हिट प्रोजेक्ट, वो भी लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बट हमारे जितने भी ज्यादा उस पे मिलता है, बिल्कुल मिलता है, मगर जितना आप देख लें जितने भी हमारे प्लेज ऑनियर हैं उसमें ऑलमोस्ट जो मेन लीड है वो रो ही रही होगी क्योंकि स्टोरीज ही ऐसी आ रही हैं। और क्यों रो रही है? बिकॉज उसको दिखाया है कि वो हीरोइन है, वो उसको बेचारी है, तो वो बेचारी पॉजिटिव, जब कोई भी हमेशा नेगेटिव अगर आप कैरेक्टर करें तो उसमें मार्जिन होता है एक्टिंग का, पॉजिटिव में इतना मार्जिन नहीं होता क्योंकि आप पॉजिटिवली कितना एक्ट कर सकते हैं, आप कितना अपने एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं, ये तो है, ये तो है। और आप पॉजिटिव अगर नॉर्मल लाइफ में है, रियल लाइफ में है, तो आप उतना ही उसको एक्ट कर सकते हैं जो नेचुरली हो सकता है, वरना वो ओवर एक्टिंग हो जाती है, ये तो है। तो और हमारे यहाँ पे क्योंकि सारे जो स्टोरी लाइन्स हैं या स्क्रिप्ट्स हैं वो सारे रोने धोने वाले होते हैं, हिटी होते हैं, वो बेचारी क्या करें, क्या करें हम, हिटी होते हैं। अच्छा यहाँ मदिया से ना थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं, मदिया क्विक क्विक आंसर करने होंगे, सच सच आंसर। मदिया में अपने अंदर कोई 3 चीजें चेंज करनी है, जल्दी से बताएं। मेरे अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है चेंज करने वाली है, बट परफेक्शन का मुजस्मा, हां परफेक्शन का मुजस्मा हूं मैं,
आई थिंक मुझे जो मेरी मम्मी को बहुत शौक है वो ये कि मैं मोटी हो जाऊं बस. मम्मी को क्या कि मैं मोटी हो जाऊं, दैट्स द ओनली थिंग. और हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, लेकिन मदिया जैसी है, शी इज परफेक्ट. आई थिंक शी इज परफेक्ट बिकॉज़ मेरा स्क्रीन पर जो है इट्स परफेक्ट. अब बीच में मैंने वेट गेन किया था, आई वाज लाइक 53 kg, तो वहाँ पे मेरे डायरेक्टर्स बेचारे परेशान हो गए थे. उन्होंने कहा नहीं नहीं प्लीज इसको आप वापस लेकर आओ, क्योंकि द नॉर्मल यू. हां, किसी चीज से डर लगता है? नहीं, किसी चीज से नहीं. कॉकरोच से भी नहीं? नहीं. लिजर्ड? यस, लिजर्ड से. देखा, निकला. सबसे बड़ा झूठ जिंदगी का और किसके साथ? झूठ कोई बड़े मैंने बोले नहीं है. अच्छा, छोटा झूठ ही बता दें, छोटा ही पूछ लेते हैं. ऐसा कोई झूठ नहीं बोला कोई इस तरह का. ये छुपाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ब्लंटली बता दी तो क्या, अभी छुपाने वाली एज नहीं आई है. वी कैन से दैट वे. अच्छा, कोई अगर एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? एक्ट्रेस ना होती तो मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी रन कर रही होती अपने अब्बा के साथ. अच्छा, ओके, दैट्स वेरी नाइस. तो बचपन से शौक था या बड़े होके हुआ? बचपन से शौक था, ऑब्वियसली मम्मी अब्बू को टीवी पर देखा था तो बस वहीं से शौक शुरू. अच्छा, मदिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी ऐसा है कि उसके इनके पेरेंट्स जो थे वो भी ऑलरेडी ऐसे. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, दो लोग हैं, सच बता रहे हैं, ठीक है, दो लोग हैं, दोनों आपको बहुत दिलो जान से चाहते हैं जी मदिया से, और बस मदिया से शादी करनी है, प्रपोज करने आए हैं जी मदिया को, और एक जो है वो अमीर है, एक जो है गरीब है, क्या देखेंगी? कुछ नहीं पता, आई हैव नो आइडिया. अच्छा, एक एक अच्छे लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज देखती हैं? लविंग, केयरिंग. एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मर्दों में मैं यूजुअली देखने में आती है, और वही डिवोर्सेस का वो बनती है कि वो शक बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा. और दूसरा ये कि बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, और वो इनसिक्योर होते हैं बिकॉज दे डजंट वांट कि उनकी जो भी बीवी है या गर्लफ्रेंड है या व्हाटएवर वो कोई आगे बढ़ रही है उनसे. They can't see that. This is male psyche. Exactly. तो मैं इस चीज को हमेशा अवॉइड करती हूँ. लेकिन पता है, नाउ आई थिंक मदिया, मैंने तो देखा है अब हमारे मर्द हजरात में जो है ना, ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा चेंज हो गया. आई थिंक थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है. ऐसा कुछ नहीं है. या दे जस्ट एक्ट लाइक है. दे जस्ट एक्ट दिस वे. नहीं नहीं. They don't act this way. It's extremism. कुछ लोग हैं जो बहुत हैं कि okay, do whatever you feel like. और कुछ लोग हैं जो क्या कि कुछ लोग जो होते हैं वो उसको कर लेते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते, ये मत करना. उनका एक डिफरेंट तरीका होता है किसी और को लेट डाउन करने का. इफ़ यू आर अ सेलिब्रिटी और इफ़ यू आर वर्किंग इन अ वेरी गुड फर्म ऑन अ गुड पोजीशन, तो दे कांट हैंडल इट. तो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे, यू डोंट लुक लाइक गुड, ये क्या पहनावा है, ये कैसे बाल किए हुए, इंटेंशनली, ताकि वो औरत खुद ही अपने में होके रह जाए. और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं आई एम एट होम, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन वो उस पे फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो पाकिस्तान में इस तरह की दो चीजें हैं. लाइफ, मदिहा ने एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जिसके ऊपर मैं पूरा एक और शो कर सकती हूँ. बहुत ऐसी कमाल की बात की है ना उन्होंने, लेकिन क्या करूँ, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है. और मदिया को तो मुझे थैंक यू करना. मदिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और बड़ी अच्छी जो उनकी आखिरी बात थी ना, वो अब मेरे दिल पे लग गई है. उनकी आखिरी बात जो है उस पर हम लोग बाद में कभी दोबारा ज़रूर बात करेंगे. आपके जो ये पोल का आंसर है येस और नो, ये मेजॉरिटी जो थी, मैं आपको कल इसका आंसर बताऊँगी कि ये येस ज़्यादा आया, नो ज़्यादा आया, और उन खातून ने खुद पर्सनली क्या डिसीजन लिया, ये भी मैं आपको बताऊँगी. अभी जो है प्रोग्राम के खत्म होने का टाइम हो गया है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv. आप हमें SMS कर सकते हैं, एचएम लेके आप स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू 8888. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हेल्थ टीवी देखते रहेगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.